Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Mangalwaram जो कि आई थी 2023 में. It's a suspense, mystery and horror genre film. इसे शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, it's a complete 18 plus content, तो अगर बच्चे इसे देखना चाहते हैं या फिर फैमिली के साथ बैठे हैं तो अवॉइड करें, और अगर आप ऑलरेडी 18 plus हो then this movie is for you. So now without wasting any time, चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक गाँव देख पाते हैं जिसका नाम है लक्ष्मीपुरा, और यहाँ पर माँ महालक्ष्मी का एक मंदिर भी होता है. एंड देन नेक्स्ट डे हम दो बच्चों को खेलता देख पाते हैं, शालू और रवि, जो कि जस्ट अभी एक खेत से अमरूद चुरा कर भाग रहे थे और फिर आकर दो दो आपस में बांट लेते हैं, मगर फिर भी लास्ट में एक बचता है. तो रवि कहता है कि एक माँ महालक्ष्मी के लिए होगा. इसी के साथ वो थोड़े दिन पहले खिंचाई एक फोटो भी उसे देता है और बताता है कि तुम्हारी आंखों में काजल नहीं था, इसलिए मैं माँ महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर ऊपर के काले धुएं को नारियल के तेल में मिलाकर काजल बनाकर लाया हूँ. जिस पर शालू बहुत खुश हो जाती है और इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. और जब वो रास्ते में आगे जा रहे थे तो इन्हें कुएं में से एक कुत्ते के पिल्ले के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए नीचे उतरकर रवि उस छोटे से पिल्ले को बचा लेता है. मगर बातों ही बातों में हमें ये भी पता लगता है कि शैलू के पिता भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, इनफैक्ट रवि के पिता भी उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते. तो कुल मिलाकर के दोनों ही सेम ही सिचुएशन से गुजर रहे थे. एंड देन जैसे ही शैलू घर पर आती है तो पता चलता है कि उसके पिता ने जो कि भी दूसरी शादी करी होती है, इस वजह से अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ इस घर से करीब 50 किलोमीटर शहर के बाहर रहते होते हैं और इस घर में सिर्फ शैलू और नानी जी ही रहते हैं, यानी कि पापा की पहली वाइफ की मम्मी. और ये जो सेकंड वाइफ होती है ये सिर्फ पैसा खाने के लिए आई थी. वो कहती है कि इस पूरी प्रॉपर्टी का कागजात हमारे नाम करवा दो, हमें बच्चे को भी पालना है, इसकी शादी भी करवानी है. तो नानी कहती है कि भाई मेरे पास में भी तो छोटी बच्ची है और मेरे पास देने के लिए सिर्फ ये घर ही बचा है, जब इसकी शादी होगी तो इस घर को बेच करके उसकी शादी करवा दूंगी, तो ये घर तो मैं नहीं दे सकती. और इसी चक्कर में इनका झगड़ा हो जाता है और ये परिवार यहाँ से निकल जाता है. अब घर में हुए झगड़े को जब ये सारी बातें शैलू आकर रवि को बताती है तो रवि कहता है कि माँ महालक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाने से सब कुछ सही हो जाए, तुम ज्यादा टेंशन मत लो शैलू, मैं तुम्हारे साथ हूँ. कि तभी उसका पिता उसे उठाकर ले जाता है और कहता है कि मैंने तुझे बीड़ी का बंडल लाने के लिए कहा था, अभी तक लाया क्यों नहीं, और बेटा शैलू तुम दो दिन से घर पर क्यों नहीं आई. अब बेसिकली रवि के फादर की शैलू पर नजर खराब होती है. एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं कि शैलू के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से नानी घर पर कॉल लगाती है और अपने बेटे को बोलती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. जहाँ पर उसके फादर मना करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आने का टाइम नहीं है, तुम खुद ही उसे संभाल लो. वहीं गांव में एक घर जलने की बात फैल जाती है और जब शैलू और नानी जी वहाँ देखने जाते हैं तो पता चलता है कि जिसका घर जला है वो खुद रवि और उसके फादर थे, जो कि दोनों ही जलकर मारे गए. एंड देन कहानी यहाँ से बढ़ती है 10 साल आगे और हम देख पाते हैं गाँव में दो दोस्तों, काशीराज और पुल्ली. पुल्ली जो कि आंखों से देख नहीं सकता था, तभी काशी अपनी गाड़ी रोकता और कहता है कि मेरी मील के आगे इतने सारे लोग जमा क्यों हुए हैं. और जैसे ही वो दीवार पर देखता है तो पता चलता है कि किसी ने एक नोट लिख दिया है. दीवार पर लिखा था कि कारपेंटर शिवा और उसी के साथ दूध वाले की बीवी उन्नति का आपस में चक्कर चल रहा था, यानी कि नाजायज संबंध. गांव वालों से निवेदन है कि उनके प्यार को समझने का कष्ट करें. और वहीं दूध वाला आता है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो पूछता है कि भाई आखिर हुआ क्या. तो काशीराज बताता है कि तेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और यहाँ पर उसी के बारे में लिखा है. तो इस पर दूध वाले को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी को जान से मारने के लिए निकलता ही है कि तभी उसे पता पड़ता है कि उसकी बीवी और उस कारपेंटर की तो किसी ने ऑलरेडी हत्या कर दी है. अब जहाँ एक तरफ कारपेंटर की बीवी रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूध वाला रो रहा था और इनको समझ में नहीं आता कि भाई ये हुआ क्या. इसी वक्त गांव में नई एसआई आई होती है जिसका नाम होता है माया, जो कि इन दोनों ही डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी. तो गाँव के लोग इंक्लूडिंग काशीराज कहता है कि इस गाँव में सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों और बकरों का ही पोस्टमार्टम किया जाता है, मतलब कि चीरा फाड़ी सिर्फ उन्हीं की होती है. इंसानों को सीधा या तो दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है, और फिर भी अगर तुम्हें पोस्टमार्टम करना ही है तो फिर इस लक्ष्मीपुरा गांव के कर्ता धर्ता जमींदार प्रकाश बाबू से बातचीत करनी होगी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता. एंड देन हम प्रकाश बाबू को भी देख पाते हैं जो कि अपने पिता की फोटो पर चप्पल मारता है और कहता है कि मरने के बाद छोड़ कर गए एक ऐसा बंगला जो कि कभी भी गिर सकता है और एक ऐसी गाड़ी जो कि रास्ते में कभी भी बंद हो सकती है, अपनी रखेल नाच गाने और अय्याशियों पर अगर पैसा ना उड़ाते तो कम से कम मेरे लिए तो कुछ बचता. कि तभी प्रकाश की वाइफ राजेश्वरी देवी आ जाती है और कहती है कि अपने पिता को इतना कोसते क्यों हो, गांव में कुछ हादसा हुआ है, जाकर चेक करके आओ. देन प्रकाश बाबू मेन हादसे की जगह पर पहुंचते हैं तो माया कहती है कि इन बॉडीज को किसी ने जानबूझकर मारा है, ये कोई दवा खाकर या फिर जहर खाकर नहीं मरे हैं, इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना जरूरी है. जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि हमारे गाँव में कोई भी हत्यारा नहीं है और कोई भी किसी की जान लेना नहीं चाहता, तो अगर रिपोर्ट में कुछ लिखना ही है तो सीधा ये लिख दो कि प्यार करने वाले जिनके प्यार को गाँव ने एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए जहर खाकर मर गए. अब यहाँ पर
इन दोनों बॉडीज को तो दफना दिया जाता है, मगर दूर कोई शॉल लपेटा हुआ इंसान एक बॉडी को जला रहा होता है। अभी किसको जलाता है वो आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। मीनवाइल सीन काशीराज पर शिफ्ट होता है, जो कि गांव के जनरल स्टोर पर जाकर नागमणि से कहता है कि मेरे पास 50 रुपए है, तेरे पास 50 रुपए में देने के लिए क्या है। जहाँ पर नागमणि कहती है कि मेरे पति जो कि दुबई में रहते हैं वहाँ से एक सेंट लेकर आए हैं, अगर वो चाहिए तो दे दूं। अब यहाँ पर काशीराज का एक फ्रेंड भी होता है पुली, जो कि आंखों से देख नहीं सकता था, तो यहाँ पर इनकी अलग ही कॉमेडी चलती रहती है। मीनवाइल हम इस गांव के डॉक्टर को भी देख पाते हैं, जो कि कुछ दिनों पहले शहर गए थे और अब वापस लौट आए थे, और वो काफी ज्यादा दयावान थे। एक फैमिली उनके पास अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आई थी, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची को डेंगू मलेरिया है, इसे जल्द से जल्द शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है, क्या तुम्हारे पास इलाज के पैसे हैं। तो भाई साहब कहते हैं कि वैसे है तो नहीं, लेकिन किसी से मांग लूंगा। जिस पर डॉक्टर साहब यानी कि विश्वनाथम खुद अपनी जेब से पैसा निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी का जल्द से जल्द इलाज करवाओ। और अब जैसा कि गांव में दो डेथ हो चुकी थी, इसलिए गांव में श्राद्ध के लिए खाना खाने के लिए लोगों को इनवाइट किया जाना था, तो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है, और जब उसके माता पिता होते नहीं है तो इनकी अलग ही किसिंग विसिंग होती है। इतने में ही उस लड़की का भाई पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है गुर्जा, और वो कहता है कि मेरी बहन से दूर रहना और आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। जहां पर ये लड़का बताता है कि मैं तो सिर्फ गांव के अंदर जो श्राद्ध होने वाला है उसका इनविटेशन देने के लिए आया था। एंड देन सीन शिफ्ट होता है श्राद्ध के खाने पर, जहां सब बैठकर आराम से उस खाने का मजा लूट रहे थे। काशीराज भी बैठकर ठूस रहा था। इन बिटवीन गुर्जा जो होता है उसे एक फोटोग्राफर पर शक होता है, वो कहता है कि जरूर इसी ने उन दोनों का खून किया होगा। अब ये बात जैसे ही फोटोग्राफर राम को पता लगती है तो वो इस पर झगड़ा करने के लिए आ जाता है। अब इन दोनों के हुए झगड़े के बीच में वहां पर और भी आजू बाजू के लोग भिड़ जाते हैं और पूरे खाने की ऐसी की तैसी कर देते हैं। खैर फाइट वॉज कॉमेडी, सभी के ऊपर कोई सांभर फेंक रहा था, कोई इडली फेंक रहा था, कोई चावल के गोले बना बना कर एक दूसरे पर फेंक रहा था, मगर जैसे ही जमींदार की वाइफ यानी कि राजेश्वरी देवी वहां पर पहुंचती है तो सभी लोग लड़ना रोक देते हैं। मगर हम देख पाते हैं कि राम और गुर्जा के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो एक दूसरे को छोड़ने वाले तो नहीं थे। मीनवाइल गांव के मंदिर यानी कि माँ महालक्ष्मी के मंदिर में जो पुजारी और उसकी वाइफ थी, ये लोग सोचते हैं कि अब पूजा का दिन आने वाला है तो यहाँ पर मेला भी भरेगा, मगर हमारे पास पैसे नहीं है तो आखिर ये पूजा संपन्न कैसे होगी। तो पुजारी साहब जमींदार के पास पैसे मांगने के लिए पहुंचते हैं, जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि मेरी गन में 2 गोलियां हैं, एक निशाना तो अभी छोड़ गया और अगर तू यहां से भागा नहीं तो दूसरी गोली का निशाना तेरे अंदर ठोक दूंगा। तो बेचारा पुजारी बिना पैसे लिए वहां से जाने लगता है कि तभी राजेश्वरी देवी उसे बुलाती है और कहती है कि गांव में एक ही तो मंदिर है और अगर धर्म कर्म का काम हम ही नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा, इसलिए पंडित जी ये पैसे रखिए और मेले और पूजा का काम जोरों शोरों से करवाइए। जिस पर पंडित जी उन्हें बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं और वहां से पैसे लेकर निकल जाते हैं। और अब जैसा कि माँ महालक्ष्मी का फेवरेट वार होता है मंगलवार, तो इस दिन गांव में पूजा भी होती है, बहुत बड़ा मेला भी लगता है, सभी लोग यहां पर डांस वगैरह भी करते हैं। इन बिटवीन नागमणि की एक दूसरे शख्स के साथ में चक्कर वगैरह चल रहा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को लाइन मारते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर एक काला कुत्ता उस गांव की गलियों में दौड़ रहा होता है और एक औरत जिसने की घुंघरू पहने होते हैं वो हाथ में आग लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रही होती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां पर दूध वाला दूध देने के लिए गांव में जा ही रहा होता है कि तभी गांव की दीवार पर अगेन कुछ लिखा होता है। सभी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और अब तो ऐसा ही माया भी यहां पर आ चुकी होती है। और जैसा कि एक हफ्ते पहले यानी कि लास्ट मंगलवार को 2 लोगों की डेथ हुई थी, तो यहां पर अगेन 2 लोगों को फांसी लगाकर लटका दिया जाता है और इन दोनों का नाम होता है वही नागमणि और एक मोटा शख्स जो कि उसे मेले में ताड़ रहा था, तो इन दोनों का भी नाजायज संबंध था और दीवार पर यही लिखा गया था कि इन दोनों के प्यार को गांव की तरफ से समझा जाए। इस बार तो माया को शक हो जाता है कि ये लोग सुसाइड नहीं कर रहे हैं, कोई तो है जो इनकी जाने ले रहा है, तो इस बार तो मैं पोस्टमार्टम करवा कर ही रहूंगी। अब यहाँ पर प्रकाश बाबू भी आ चुके होते हैं जो कि अगेन कहते हैं कि भाई तू पोस्टमार्टम नहीं करेगी, चल निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। मगर इस बार माया को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऐसे तो हर मंगलवार को लाशें लगती जाएगी, इन लोगों ने आत्महत्या नहीं करी है बल्कि इनका मर्डर हुआ है और जब तक मैं मर्डर को पकड़ नहीं लेती चैन से नहीं बैठूंगी। इसीलिए वो पुलिस फोर्स को बुलवा करके इन दोनों बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाने के लिए इन्हें भिजवा देती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर इन दोनों मौतों के पीछे, मतलब कि 4 मौतें जो हो चुकी है मंगलवार को ही कैसे हो रही है, ये मन ही मन सोचने लगती है। इधर गांव वाले मीटिंग बिठाकर कहते हैं कि आखिर ये गांव में हो क्या रहा है, 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था मगर माँ महालक्ष्मी की एक बड़ी पूजा करवाने से ये सब कुछ ठीक हो गया। कि तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचता है और कहता है कि क्या बात है, गांव में मीटिंग चल रही है, जरा मैं भी तो आऊं, मुझे भी तो पता चले कि आखिर लोग सोच कह रहे हैं। जिस पर गांव वाले कहते हैं कि भाई हमें तो तेरी मैडम माया पर ही शक है क्योंकि लास्ट वीक ही उनका यहां ट्रांसफर हुआ है और अब तक तो 4 मौतें भी हो चुकी है, हमें तो लगता है कि इन कत्लों के पीछे कहीं तेरी मैडम का हाथ तो नहीं। मगर गांव वाले डिसाइड कर चुके थे कि अब अगला मंगलवार आने ही वाला है तो क्यों ना गांव के 15
15-20 लोग जो कि अच्छे मुस्टंडे हो, जिनमें अच्छी ताकत हो, वो रात भर गश्त लगाएंगे और दीवार पर लिखने वाले उस शख्स को भी ढूंढेंगे और जो कत्ल कर रहा है उसे भी पकड़ेंगे। तो इसी रात दीवार पर कुछ लिखता हुआ एक शख्स इन्हें मिल जाता है तो सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। मीनवाइल जंगल में जब डॉक्टर साहब अपने घर जा रहे होते हैं तो उसी कुएं के पास से गुजरते हैं तो वहां पर उन्हें एक डायन दिखाई पड़ती है जो कि किसी की आहट सुन करके वापस से कुएं में कूद जाती है। अब इस डायन का क्या राज है वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। और अब यहाँ से कहानी जाती है 18 दिन पहले, जहाँ पर हम देख पाते हैं शालू को जो कि अब जवान हो चुकी होती है, कॉलेज वगैरह जाती है और उसे एक प्रोफेसर पसंद भी आ जाते हैं और बातों ही बातों में इनके बीच में प्यार हो जाता है और अब ये लोग आए दिन सेक्स करते हैं और दोनों की एकदम टकाटक मस्त लाइफ चल रही होती है। मगर इस सेक्स लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि प्रोफेसर तो कभी शालू से प्यार करता ही नहीं था, वो 3 साल से एक मैडम के पीछे था और आज जब उसकी शादी हो गई तो वो ट्रांसफर लेकर के इस गांव से जाने लगता है। इन बातों को देखकर शालू बहुत ज्यादा रोने लगती है और पूछती है कि सर आखिर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। जहाँ पर उसके सर बताते हैं कि तुम एक शेक्सपियर का सिर्फ एक पैराग्राफ हो जो कि हफ्ते में एक बार पढ़ लूँ तो अच्छा लगता है मगर रोज रोज पढ़ने में मजा नहीं आता, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब शालू बेचारी टूट चुकी थी क्योंकि एक तो बचपन में वो रवि से प्यार करती थी, वो भी जलकर मारा गया, जिस प्रोफेसर से उसने प्यार किया उसके साथ इतना ज्यादा मजा किया और कहीं ना कहीं अपना दिल उसे दे बैठी थी मगर वो भी अब उसे छोड़कर जा चुका था, तो वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और अपने अंदर ही अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर चुकी थी या फिर फीलिंग्स भर चुकी थी कि उन फीलिंग्स को निकालने के लिए वो दर बदर घूमने लगती है। और अब तो हर शख्स में उसे सिर्फ प्रोफेसर ही नजर आ रहा था, कभी पड़ोसी में तो कभी दूध वाले में तो कभी रोड पर बीड़ी पीते हुए शख्स में तो कभी दूध वाले में और कभी तो जहाँ जॉब करती है वहां पर भी, और उन सभी के साथ वो सेक्स कर लेती है। और अब धीरे धीरे करके गांव में ये बात फैल चुकी होती है कि शैलू यानी कि मरियमा की नाती पूरे गांव में प्रोस्टिट्यूट की तरह घूम रही है और हर किसी को लपेटे में ले रही है जब उसका मन हो रहा है तब। और अब तो गाँव के हर शख्स इंक्लूडिंग काशीराज फोटोग्राफर सभी लोगों की उस पर नजर खराब हो चुकी थी। मगर दूसरी तरफ शैलू जिसे होता क्या है हर थोड़े थोड़े दिनों में उसे खुद भी पता नहीं चलता और कोई इसे टच भी करता है तो उसके अंदर इंटरनल हार्मोनल चेंजेस उसे बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज कर देते थे, तो वो अपने हाथ में एक रबड़ रखा करती थी ताकि अपने आप को होश दिला सके और अपनी फीलिंग्स को काबू कर सके। अब एक दिन जहां वो काम करती थी तो जो बॉस था, एक बार उसने उसके साथ सेक्स जरूर किया था, तो बॉस क्या करता है अगले दिन अपने 4 दोस्तों को लेकर आता है और कहता है कि ये अपनी ही बंदी है तुम्हें जितना टाइम स्पेंड करना है इसके साथ आराम से कर सकती हो। तो ये लोग जो कि हवस से भरे हुए होते हैं ये शैलू के पास आते हैं मगर शैलू उन्हें मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तो मील का मालिक आकर उसे रोक देता है और कहता है कि उस दिन तो मेरे साथ बड़ा आराम से करवाया था अब आज दिक्कत क्या हो रही है, और वो उसे चांटा मार देती है। तो मील का मालिक उसे धक्के मारकर बाहर निकालता है और सभी के सामने बात फैला देता है कि एक चोर है 10,000 रुपए चुरा रही थी, जैसे ही मैंने इसे पकड़ा तो मुझे और मेरे दोस्तों को पकड़ के मार रही थी, आज के बाद यहाँ पर दिखना मत और कभी आ भी मत जाना। तो शैलू यहाँ पर टूट चुकी थी और कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के बारे में सोचती है मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप की जान ले सके। एंड देन रात को वही अगेन उसके सेक्स के कीड़े जागने लगते हैं तो जो पड़ोसी होता है वो उसे कहती है कि मार मुझे क्योंकि इसी सेक्स के चक्कर में पूरे गांव के अंदर मेरा नाम बदनाम हो चुका है। और अब तो उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था, वो कॉलेज में पढ़ने भी नहीं जाती थी, बस दर बदर यूं ही घूमती रहती थी। तो एक दिन 7-8 लोगों की उस पर नजर पड़ जाती है और वो उसका रेप करने के लिए पीछे पीछे भागते हैं मगर शैलू कैसे तैसे अपनी जान बचाकर उनसे अलग हट जाती है। खैर अब तो ये बात प्रकाश बाबू तक भी पहुंच चुकी होती है कि गांव की शैलू यानी कि शैलेजा हर किसी राह चलते के साथ में इंटीमेट हो जाती है, गांव का माहौल खराब होता जा रहा है, आपको इस पर कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा। जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि उसको घसीट कर मेरे पास लेकर आओ। अब जाएं एक तरफ शैलेजा तैयार हो रही थी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, वो काम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तभी गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि प्रकाश बाबू ने तुझे बुलाया है, और वो उसे बाल पकड़कर घसीट कर प्रकाश बाबू के सामने ले आते हैं जहां पर उनका कहना था कि शैलेजा क्या तुझे पता है कि तुझे यहां पर क्यों लाया गया है, तेरी वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है, तू जिसे चाहे उसके साथ रात को इंटीमेट हो जाती है, इस तरीके से तो गांव की औरतों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुझे तो इस गांव से निकाल देना चाहिए। और अब देखते ही देखते गांव के सभी लोग उसे मार पीट कर लकड़े भाटे मार कर इस जगह से इनफैक्ट गांव से ही बाहर निकालने लगते हैं। उसे खूब पीटा जाता है, खूब मारा जाता है एंड एट द एंड इतनी बदनामी सहन ना कर पाने की वजह से वो सुसाइड कर लेती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहां अब इंस्पेक्टर माया के पास में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी होती है और उसे मालूम चल चुका होता है कि आखिर कातिल है कौन। और अब जैसा कि आज मंगलवार होता है, पूजा का दिन होता है, तो सभी आपस में डांस करने लगते हैं, खूब ताड़ी मतलब वहां की जो दारू होती है वो पीने लगते हैं, एंजॉय वगैरह करने लगते हैं। मगर इसी के साथ सभी ने ये प्लान बना लिया था कि आज रात को अगेन कोई ना कोई कत्ल जरूर होगा तो हम सभी को एक्टिव रहना होगा। तो हर कोई गांव के अंदर गश्त लगाने लगता है। इन बिटवीन हमें वही कुत्ता दिखाया जाता है और हाथ में आग लेकर
घुंघरू वाली औरत भी दिखाई जाती है जो कि भागकर कहीं जा रही थी। अब इन आवाजों को सुनकर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और उस आवाज का पीछा करने लगते हैं, मगर इस बार आवाज एक जगह से नहीं दो जगहों से आई। तो ये जो सारे लोग होते हैं ये तो गाँव के बाहर निकल जाते हैं, जिनको लीड कर रहा था गुर्जा। तो उसे समझ में आता है कि इस बार आवाज एक नहीं दो जगह से आई है, किसी ने जानबूझकर हमें गाँव से बाहर निकाल दिया, तो जरूर गाँव के अंदर कोई तो होगा जो कि अब किसी और कत्लेआम को अंजाम देगा। इन बिटवीन माया पहुंच जाती है मेन कातिल तक, जो कि होता है डॉक्टर साहब। तो वो डॉक्टर को पकड़कर बहुत मारने लगती है, मगर डॉक्टर के पास में नशे का इंजेक्शन होता है जो कि वो उसे लगा देता है और उसे हाथ बांधकर एक जगह बिठा देता है। तो माया पूछती है कि आखिर तुम इस गांव में कत्ल कर क्यों रहे हो, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मालूम चला कि उन्हें क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया गया था और ये सिर्फ गाँव में तुम्हारे पास ही है। तो आखिर तुम्हारा उन गाँव वालों के साथ क्या खुन्नस है जो तुम उन्हें मौत के घाट उतार रहे हो। और अब यहाँ पर पूरी मूवी का प्लॉट रिवील होता है। तो बेसिकली आज से 18 दिन पहले जब वो गांव के अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था तो उसे बहुत ही खराब हालत के अंदर शैलू मिलती है, जिसे कि ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों ने रेप किया हुआ था। बहुत सारी जगह बॉडी पर स्क्रैचेस थे, मगर अब शैलू मर जाना चाहते थे। जहां पर डॉक्टर साहब उसे पूछते हैं कि मुझे बताओ तो सही तुम्हें तकलीफ क्या है, मगर उसे पता भी नहीं था कि उसे प्रॉब्लम क्या है। जहां पर डॉक्टर साहब उसका एक ब्लड सैंपल लेते हैं और एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास भिजवाते हैं, और फिर रिसर्च के बाद में ये मालूम चलता है कि फीमेल जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, यानी कि जब अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कोई मेल फीमेल को देखती है या फीमेल मेल को देखता है, तो जो एक सेक्स की इच्छा जागृत होती है वो शैलू के अंदर मोर देन यूजुअल है, यानी कि वो 10 गुना ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं उसके हार्मोन्स, और उसे अपनी तलब मिटाने के लिए जो भी मिल जाता है उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। हालांकि मैं कुछ दवाइयां दे देती हूं ताकि हार्मोनल फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आए, मगर मेंटल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी शैलू ऐसे काम करती रहेगी। तो यहां पर डॉक्टर साहब शैलू को अपनी बेटी बना लेते हैं और उसका पूरी तरीके से ध्यान रखने लगते हैं। वहीं गांव में जो दूसरी चिल्लाने की आवाज थी, तो यहां फोटोग्राफर पहुंचा होता है देखने के लिए कि तभी उसके ऊपर मां महालक्ष्मी का मास्क पहना शख्स हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा होता है। तो ये फोटोग्राफर कहता है कि भाई आखिर तू है कौन और लोगों को मार क्यों रहा है, जहां पर अपना मास्क हटाकर बताता है कि मैं रवि हूं, और रवि वहीं पर उस फोटोग्राफर को त्रिशूल से मार डालता है। अब यहां से कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है 18 दिन पहले। तो बेसिकली हुआ यह था कि डॉक्टर साहब को रवि मिल चुका होता है जो कि अब शैलू के साथ शादी करना चाहता था। अब यहाँ पर रवि भी अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आज से 10 साल पहले जब शैलू मुझसे मिलने के लिए आई थी तो मेरे पिता ने उसके साथ गलत कांड करने के बारे में सोचा, और फिर मैं शैलू से नजर नहीं मिला पा रहा था, इसलिए पहले तो मैंने अपने बाप को मारा, फिर घर जलाया, हालांकि जलाते वक्त मेरा गाल भी जल गया, और एक बुरी शक्ल लेकर के मैं शैलू के सामने आना नहीं चाहता था। हालांकि मैं था उसके साथ हर वक्त, जब वो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, प्रोफेसर के साथ घूमती थी, इनफैक्ट पूरे गांव में जब उसकी बदनामी भी हो रही थी तो मैं उसे दूर खड़ा देखता तो था, मगर मेरे पास में उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। मगर डॉक्टर साहब जब आपने मुझे बताया कि शैलू की हालत इतनी खराब है तो फिर मैं अब उसकी लाइफ में आना चाहता हूं। तो अभी वो दिन था जिस दिन ये लोग शादी करने वाले थे और शैलू तैयार होकर के शादी करने के लिए निकल रही थी, मगर इसी दिन प्रकाश बाबू ने उसे बुला लिया और फिर तो स्टोरी आपको आगे मालूम ही है। सभी लोगों ने उसे लगड़े घाटे मार करके गांव से बाहर निकालने के बारे में आदेश दे दिए थे, मगर उस दिन सिर्फ उसे गांव से निकाला ही नहीं गया था बल्कि रात को उसका कत्ल हुआ था, जिसके अंदर टोटल 6 लोग थे, और ये 6 लोग वो थे जिनका स्टार्टिंग में 2 लोगों का तो कुएं के पास डेड बॉडी मिली, फिर 2 लोगों को पेड़ पे लटकाया गया, और एक शख्स को अभी रवि खेतों में मार करके आया था। तो माया पूछती है डॉक्टर साहब से कि आखिर वो आखिरी शख्स कौन है, और यहाँ होता है इस कहानी का अल्टीमेट प्लॉट रिवील कि वो आखिरी शख्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत होती है, और वो होती है राजेश्वरी देवी, जिसका उस फोटोग्राफर के साथ में अवैध संबंध था। ये लोग रोज रात को आपस में इंटीमेट हुआ करते थे, और जिस रात शैलू उन 7-8 लोगों से बचकर भाग रही थी, सर छिपाने की जगह ढूंढ रही थी, तो उसने इन दोनों को इंटीमेट होते हुए यानी कि सेक्स करते हुए देख लिया था। तो राजेश्वरी देवी ने ये प्लान बनाया कि अगर ये हमारे बारे में प्रकाश बाबू को या गांव में ये बात फैला देगी तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, तो इसलिए इसे तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए इन 6 लोगों ने प्लानिंग बना करके पहले तो उसे गांव से बाहर निकलवाया, और जब वो रात को इंतजार कर रही थी डॉक्टर बाबू का, इनफैक्ट रवि का, तो इन सभी ने उसे मार मार कर उसकी जान ले ली और फिर बॉडी को कुएं में फेंक दिया। खैर ये सारी बातें बाहर बैठा प्रकाश बाबू सुन रहा था, और घर जाकर वो अपनी बीवी पर गुस्साया था, इसलिए उसे वो तेल लगाकर आग लगा देता है। यानी कि शैलू के जो टोटल 6 कातिल थे अब उन्हें मौत की सजा मिल चुकी थी, मगर इस हाथापाई में प्रकाश के पेट में जो चाकू घुसा था इसलिए टांके लगाने के लिए अगले दिन डॉक्टर साहब आए। तो डॉक्टर साहब से पूछता है कि एक बात मुझे बताइए, शादी की शॉपिंग
करने के लिए तो आप और रवि शहर गए हुए थे, तो फिर आपको किसने बताया कि उन 6 लोगों ने शैलू को मारकर कुएं में पटक दिया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पुल्ली था, जो अंधा बनने का नाटक करता था, गरीबी में कोई इसे पैसा देता नहीं था, मगर अंधा बनने के बाद में तो उसे दारू भी मिल जाया करती थी, तो उस रात वो उस कुएं के पास ही मौजूद था और उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इन 6 लोगों ने बेदर्दी से शैलू को मार करके कुएं में पटक। और मूवी के एंड में वो अगेन ताड़ी पी करके अंधा बनने की एक्टिंग करता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती। मगर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि गांव में अगेन हर जगह पर दीवार पर बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे जा रहे थे और आपस में प्यार करने वालों के लिए खेद है ऐसा लिखकर माफ करने की गुजारिश की गई और दिखाया गया था कि टू बी कंटिन्यूड, यानी कि अब शैलू की आत्मा, इनफैक्ट रवि की आत्मा अब वापस आएगी और इन सभी को मारेगी जो कि अवैध संबंध रखते हैं। मुझे तो लगता है इस मूवी का नाम, इस गांव का नाम लक्ष्मीपुरा से कमाटीपुरा रख देना चाहिए था। खैर, आपका इस पर क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई है देन प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट सिर्फ इंडिया में हम ही लेकर के आते हैं, तो प्लीज इस चैनल को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और बेहतरीन मूवीज हम आप लोगों के लिए लाते रहें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।